सीरीज में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके जीएस के, जो आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और एक बात और, इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी 200 प्लस क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो आप एग्जाम से पहले उन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो वो कहाँ है? बरौनी। तीसरा है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वॉशिंगटन के। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? छोटी। अंजू बॉबी जार्स किससे संबंधित है? तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा विषमुत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश रेखा जो है विषमुत रेखा के समांतर है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ 1757 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे से। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जाफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी, जो सबसे लास्ट मुगल अंपायर बहादुर शाह जाफर की मृत्यु। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी के वाइफ का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ हूम जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो क्या थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर हैं वो कौन है? श्री राजगोपालचारी। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग जी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की जो थी उसकी मेन ये विशेषता थी, फीचर्स थी कि ग्रामीण स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ क्या है? तो सहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का क्या है? निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो वो है लोथल। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसमें क्या है बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो वो लोथल में है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर रेलवे में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो सबसे बड़ा जो है अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, चीन असम से किस दिशा में स्थित है? तो चीन असम से उत्तर दिशा में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो असम। नेक्स्ट है, कंचनगंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनगंगा पर्वत ये स्थित है आपका सिक्किम में। नेक्स्ट है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सन से सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है? बुध। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाली चीनी में पाया जाता है? तो घरेलू जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद के निर्माता कौन थे? तो प्रथम सबसे पहली जो मूवी राजा हरिश्चंद के जो प्रोड्यूसर थे वो कौन थे? दादा साहब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो असम के ऐसे कौन से प्रेसिडेंट हैं जो ऑलरेडी रह चुके हैं? तो फरीकुद्दीन अली अहमद जी। नेक्स्ट है, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय जो है वॉर एंड पीस के राइटर हैं। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। मेरे वतन के लोगों, देशभक्त गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? प्रदीप जी ने। नेक्स्ट है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का जो दबाव होता है वो घनत्व के कारण होता है। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना क्या है? उसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने शैल कोशिका होती हैं? तो कितने होती हैं? एक। नेक्स्ट है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो ये बना आपका 1963 में। उत्तर पूर्व सीमांत रेल में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? जो गवर्नर रहता है, जो राज्यपाल रहता है वो उसकी नियुक्ति करता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रियोन गैस जो होता है वो क्या है? प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के कौन है? तो जे जे थॉम्सन जो है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं।
नेक्स्ट है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आत्माराम शर्मा जी जो है बेसिकली असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो बांग्लादेश का। नेक्स्ट है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो जो हीटर के जो तार होते हैं वो नाइक्रोम से क्या होते हैं, बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? लोहे पर क्या होता है अगर जंग लग जाता है? तो उससे उसका वेट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली असम के किस जिले में स्थित है? तो ये पातालपुरी में क्या है, स्थित है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की जो साउंड उसकी चाल जो होती है किस में होती है, दैट इज एन स्टील। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को क्या कहा जाता है, भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो है ये स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शमसुद्दीन अल्तुतमिश की जो है बेटी थी रजिया सुल्तान। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की जो पूर्ण भूमि ये कहा जाता है आपको तमिलनाडु को। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वाई बी चौहान जी थे महाराष्ट्र के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। लास्ट क्वेश्चन है, हार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो कोशी को कहा जाता है।